चलिए फिर से शुरू करें क्या? फिर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द डायस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हो सकती हाँ, बता देता हूँ। नॉर्मल है 120 के नीचे तो उसे नॉर्मल कहेंगे सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक इफ इट इज लेस देन 80 इट इज नॉर्मल। प्री हाइपरटेंसिव इज 120 to 139 एंड डायस्टोलिक 80 to 89 इज ये प्री हाइपरटेंसिव फेज। वेर एज इन हाइपरटेंशन स्टेज 1, 2 एंड 3 माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर। ओके, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज सेड टू बी माइल्ड इफ रेंजेस बिटवीन 140 to 159 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिटवीन 90 to 99। मॉडरेट इफ इट इज 160 to 179 एंड सीवियर इफ इट इज 100 to 109। एंड स्टेज 3 इफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 180 एंड डायस्टोलिक इज मोर देन 110। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेर इन वी विल बी सींग द फिजियोलॉजी ऑफ हाइपर टेंशन। ओके, नाउ सी देयर इज रेनिन एंजियोटेंशन टेंशन सिस्टम। ओके, रेनिन इज कन्वर्टेड इन टू एंजियोटेंसिन 1, देन एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड इन टू एंजियोटेंसिन 2 and then it is converted to aldosterone which causes sodium retention and due to which there is increase in volume. Okay, where this renin angiotensin system works, does anybody have any idea? It happens in किडनी। किडनी, ठीक है, एकदम सही, किडनी में होता है। ठीक है, और सेंट्रल मैकेनिज्म में क्या होगा? इट विल एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस, द बैरोसेप्टर्स विल एक्टिवेट इट कॉजिंग सिंपैथेटिक गैंग्लिया टू एक्टिवेट कॉज एंड फर्दर पोस्ट गैंग्लियोनिक एडिनर्जिक नर्व एंडिंग्स यू नो दे कॉजेज एट्रियलर वॉल कंस्ट्रिक्शन। ओके, इफ देर इज कंस्ट्रिक्शन वॉट हैपन्स? ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। प्रेशर बढ़ेगा सर। एकदम एकदम सही बात है। Then comes the classification of antihypertensive drugs. The classification is as follows. There is ACE inhibitors, that is angiotensin converting enzyme inhibitors. So, iske example ho jayenge captopril, enalapril, okay, ramipril. बहुत सारी दवाएं हैं। फिर एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर एगोनिस्ट, इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे लोसार्टन, कैंडिसार्टन, देन वेलसार्टन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये एंटागोनिस्ट। देन कम्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर CCB, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे? निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, देन वीरापामिल, फेलोडिपिन, ये निकार्डिपिन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नाउ कम द डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में आपको आ जाएगा थायजाइड्स, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरथायजाइड्स या क्लोरथैलिडोन।
These are the examples of diuretics. Then comes loop diuretics. लूप डायूरेटिक्स में क्या आ जाएंगे? फिरोसेमाइड आ जाएगा, दूसरा आपको टॉर्सेमाइड आ जाएगा. दीज आर लूप डायूरेटिक्स. देन कम्स पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स. इन पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जिसमें पोटेशियम को स्पेयर कर दिया जाता है, वो एक्सक्रीट नहीं होता है यूरिन में. तो जिस पेशेंट का पोटेशियम पहले से ही बॉडी में कम हो और उसको आप एंटी हाइपरटेंसिव चला रहे हैं, and if you are using other diuretics which will excrete potassium also, patient will further go into hypokalemia. So we will use potassium sparing diuretics. So spironolactone is used in those. Then sympatholytic drugs, they are also further classified into centrally acting agents. Example, methyl dopa. Then second is ganglion blockers. Under this comes trimethaphan. That is ganglion blockers. Then comes neuronal blockers. Under neuronal blockers, the example is reserpine. These are the drugs and the classification which you need to mug up. There's hello. It is hardly going to. Yes, sir. These are the drugs which these classifications need to be learned by heart. Nothing can be done. It is very dry. Then comes the alpha adrenergic blockers. Under alpha adrenergic blockers, there are two divisions, that is non-selective and the selective ones. The non-selective is phenoxybenzamine. The example of non-selective is phenoxybenzamine, whereas in selective, it is prazosin and terazosin. These are alpha adrenergic blockers. There are sympatholytic drugs, there is another classification which is called as beta adrenergic blockers. Under beta adrenergic blocker comes propranolol, atenolol, metoprolol. These are the drugs which you might have heard. Then the next classification in antihypertensive drugs are vasodilators. Vasodilators, and under this comes is arteriolar. The examples of arteriolar is hydralazine and minoxidil. Minoxidil is also used in the treatment of alopecia, androgen alopecia, that is hair fall. That is topical use. It is applied over the area where the hair loss is occurring. It is available in the form of serum. Then it is arterial and venodilator. Example is sodium nitroprusside. Sodium nitroprusside. So these were the classification of antihypertensive drugs which are being used in the market. Okay. So. Yeah, tell me. So, sympatholytic agents में जो alpha adrenergic blockers हैं, तो ये adrenal gland पे act करेगा block करने के लिए. क्या बोल रही हैं? हम बताएंगे आपको. अब धीरे-धीरे सारे इस पे जाएंगे ना classification पे. Okay, sir. Let the class follow the smooth path. Okay. Okay, sir. To start with angiotensin converting enzyme. Okay. So this was the first classification that we read. Okay.
this is the first line of antihypertensive drugs that is being used. What they do, they inhibit the generation of angiotensin 2, which is very potent vasoconstrictor. Then they inhibit the degradation of bradykinin, which is a potent vasodilator, and stimulate the synthesis of vasodilating prostaglandins through bradykinin. So bradykinin kya karega? Through prostaglandins, they stimulate the synthesis of vasodilating prostaglandins and reduce sympathetic nervous system activity. ठीक है. हाँ, इसमें जनरली क्या होता है, इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 आर प्रिवेंटेड बाय एस इनहिबिटर्स जो आप देंगे, जो भी ड्रग्स मैंने आपको बताया था. ये एस इनहिबिटर्स क्या करेगा, दे विल डिक्रीज द एंजियोटेंसिन 2 प्रोडक्शन, विच विल फर्दर डिक्रीज द पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, एंड इट विल डिक्रीज सोडियम रिटेंशन इन द बॉडी, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, एंड विल रिड्यूस द ब्लड प्रेशर. This is how the ACE inhibitors work. Captopril and enalapril, these are the drugs which I told you. The captopril ka jo duration of action is short. It is 8 to 12 hours. Whereas enalapril ka hai, that is 24 hours. And route of excretion is kidney. Okay. It is orally given, and agar khana, if we take food, it reduces the absorption of captopril. Captopril should be given 1 hour before meal. Whereas in enalapril, food does not cause any problem with the disintegration of the drug and the pharmacokinetics of the drug. So enalapril food you can take after food also, whereas captopril you have to take 1 hour before the intake of food. Now adverse effect of ACE inhibitors are, they cause dry cough, they cause proteinuria, taste alteration, teratogenic effect hota hai, severe hypotension cause karata hai, न्यूट्रोपिनिया कॉज कराता है, रैशेज, ईचिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब करा सकता है. ठीक है. अब ये यूज कहाँ कहाँ होगा एस इनहिबिटर्स, दे विल बी यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जहां भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो. कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, वहां पे भी यूज कर सकते हैं, जहां पर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन आपका प्रॉपर नहीं हो. जब पेशेंट को एमआई आए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वहां पे भी एस इनहिबिटर्स यूज करते हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ द एमआई. उसके बाद डायबिटिक नेफ्रोपैथी जहां होती है, वहां हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों तरह के हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है. एक तो दे कंट्रोल सिस्टेमिक हाइपरटेंशन एज वेल एज इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर को भी कंट्रोल करता है. ठीक है. तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट था. समझ में आई बातें. अब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, रिसेप्टर 2 एंटागोनिस्ट. हेलो, डू यू ऑल हियर मी? यस सर, यस सर. Advantages of ACE inhibitors are the lack of postural hypotension. Uske baad they are safe in asthmatics and diabetics.
then they decrease the incidence of type 2 diabetes mellitus in high risk cases, then prevent potassium loss due to diuretics, they reverse the left ventricular hypertrophy, and no rebound hypertension, then no effect of effect on sexual functions. ये सब तो बता ही दिया मैंने आपको. अब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, इसका एग्जांपल लोसार्टन, कैंडिसार्टन, ये सब मैंने बताया था आपको, वेल्डेसार्टन. ठीक है, इसका भी दो टाइप का एंजियोटेंसिन टाइप 2 रिसेप्टर्स होते हैं, 81 एंड 82. ठीक है, और जो एंजियोटेंसिन 2 का जो इफेक्ट्स है मेनली जो है 81 रिसेप्टर जो है वो कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है एंड और एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन होता है. फर्दर इट विल रिलीज noradrenaline from the sympathetic nerve endings. Nerve endings से क्या release होगा? Noradrenaline, जो आपके screen पे अभी आ रहा है. Screen sharing हो रही है ना? Yes sir. जी, तो वहां पे देख ही रहा है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन होगा, एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन थ्रू 81. वैसे ही 82 रिसेप्टर्स जो है एंजियोटेंसिन 2 के, उसका जो जनरल फंक्शन इज अननोन, दे आर अभी भी उस पे रिसर्च चल रहा है, इट इज नॉट वेरी वेल नोन कि इसका 82 रिसेप्टर कैसे फंक्शन करता है, बट होता है ये मालूम है. उसके बाद क्या है, दे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है दे कम्प्लीटली इनहिबिट द बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन 2 टू 81 रिसेप्टर, उसको जाके उस पर बाइंड ही करने नहीं देता है. तो पहले से वैसो कंस्ट्रिक्शन है और फर्दर वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, फर्दर प्रेशर बढ़ेगा, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन को रोक देना है. तो 81 पे जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल को अगर हम ब्लॉक कर देंगे क्या होगा, हमारा वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा. ठीक है, और जिसकी वजह से हम लोग पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज करा पाते हैं. एस इनहिबिटर्स के लाइक ही इसका इफेक्ट होता है, और जहां जहां हम लोग एस इनहिबिटर्स यूज करते हैं वहीं वहीं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर्स यूज करते हैं, एक्सेप्ट कि उसको हम लोग कफ वाले पेशेंट में जनरली अवॉइड करते हैं, मेनली यूज इन पेशेंट हु कफ विद एस इनहिबिटर, जिनको एस इनहिबिटर से कफ वगैरह होता है तो उसमें हम लोग नहीं देते हैं उनको. अब लोसार्टन का एस इनहिबिटर से में क्या, देर इज नो इंक्रीज इन ब्रैडीकाइनिन लेवल, सो एडवर्स इफेक्ट लाइक ड्राई कफ या एंजियोएडिमा वगैरह नहीं होता है. एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर का एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा हेडेक, हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया. हेलो, वीकनेस कॉज कराता है, वॉमिटिंग कॉज कराता है, एंड इट इज टेराटोजेनिक. क्लासिफिकेशन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, CCB. भाई जो भी पेशेंट देख रहे हैं प्लीज. हेलो, सबको ब्लॉक करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, किसी को आवाज नहीं आती है, फिर आई डोंट गेट रिस्पॉन्स. चलिए, क्या बोले, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हो जाएगा का एग्जांपल मैंने बताया था, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन. ठीक है, ये सारे हैं. हेलो जी सर. जी जी,
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा इसका? इट डिक्रीजेस द पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग कार्डियक आउटपुट, ठीक है, वैसोडायलेटेशन कॉज कराता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो पेरिफेरल वेसल्स है ना उसको डायलेट कर देगा ये, जिसकी वजह से पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी वहां पर, तो हार्ट पे जो लोड पड़ रहा था वो नहीं पड़ेगा और कार्डियक आउटपुट जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. एडवर्स इफेक्ट क्या क्या कॉज कराता है? इट कॉजेज हेडेक, फ्लशिंग, टैकीकार्डिया, पल्पिटेशन एंड ये सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशंस जो है इसके दे हैव लेस साइड इफेक्ट्स, उसमें हेडेक, फ्लशिंग वगैरह के चांसेस कम रहते हैं. बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रैक्ट द रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, दैट इज वीरापामिल और डिल्टियाजिम जो है दे डू नॉट कॉज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर कार्डियक डिप्रेसेंट इफेक्ट. इट इज यूजफुल इन पेशेंट्स विथ एंजाइना, जिनको एंजाइना अटैक आता है या एस्थमा रहता है या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज रहेगा, उनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम लोग देते हैं. पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का एग्जाम्पल कोई बता सकता है? कैन एनीबडी टेल मी एनी डिजीज ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, वास्कुलर डिजीज? आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है आप लोगों को, आंसर नहीं बताना है. सही बोल रहे हैं ना? हेलो, हेलो, यस सर. एग्जांपल बताइए पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का. एथेरोस्क्लेरोसिस तो हर जगह होता है, बट पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में आता है TAO, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, या बर्गर्स डिजीज भी कहते हैं उसको, ठीक है. रेनॉल्ड्स डिजीज है, बर्गर्स डिजीज है, उसमें बहुत हेल्प करता है. और भी कहाँ कहाँ यूज करेंगे? माइग्रेन में यूज करेंगे, हाइपरलिपिडीमिया में यूज करेंगे, डायबिटीज में यूज करेंगे. अब डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स जो है वो आपका हाइपरटेंशन कैसे कंट्रोल करता है? तो ये क्या करेगा डायूरेटिक्स, क्या इट विल इनहिबिट द सोडियम एंड क्लोराइड इम्पोर्ट इन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड दे विल प्रमोट सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है आपका रिड्यूस होगा और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वास्कुलर स्मूथ मसल्स में कम होगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस घटेगा और बीपी भी फॉल करेगा. एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स, ये कहाँ यूज करते हैं? दे आर यूज्ड इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, हैविंग अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दे हैव अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. थायजाइड्स आप दीजिएगा तो मैंने बताया आपको क्या करेगा, ये सोडियम और क्लोराइड को इनहिबिट करता है, दैट इज सिम्पोर्ट इन द अर्ली पार्ट ऑफ डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, दे विल प्रमोट सोडियम एंड हाइड्रोजन एक्सक्रीशन, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को कम कराएगा, ठीक है, और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को घटाता है और बीपी भी कम कराता है. एक मिनट होल्ड करिए, एक मिनट होल्ड करिए.